गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मौनी इंटरनेशनल स्कूल से आप लोगों को कक्षा पाँच में हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। बच्चों, सबसे पहले तो ये बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, ये सुनकर भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। और बच्चों, आप लोग ऑनलाइन क्लास में भी बहुत ही अच्छे से बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, यह देखकर मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है कि हमारे बच्चे अपनी पढ़ाई में इतना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और बच्चों, आप लोग तो बहुत ही बुद्धिमान हैं और बहुत ही निडर हैं, इसलिए क्योंकि आप लोग हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हम आप लोगों को कक्षा पाँच में कविता नंबर 8, रिमझिम बरस रहा है पानी, यह कविता का पाठ परिचय पढ़ाएंगे बच्चों, और उसके साथ साथ हम आपको शब्दार्थ पढ़ाएंगे। तो बच्चों, हर एक का ध्यान टेक्स्ट बुक में होना चाहिए, पेज नंबर 41 यानी कि पेज नंबर 41। कविता का नाम है रिमझिम बरस रहा है पानी। कविता नंबर 8, रिमझिम बरस रहा है पानी। शब्दार्थ, बच्चों हर एक ध्यान से सुनिएगा बेटा और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि शब्दार्थ के जो शब्द हैं वह आपको पर्यायवाची शब्द में भी कभी पूछे जा सकते हैं। और इसका अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी शब्द का अर्थ मालूम है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बच्चों, आप लोग रेडी है ना? वेरी गुड बेटा। नभ, नभ यानी कि आसमान। नभ का पर्यायवाची शब्द भी बच्चों आसमान होता है। फिर उसके बाद में है बच्चों बरखा। तो बरखा का पर्यायवाची शब्द होता है बच्चों बारिश। क्या होता है बच्चों? बारिश। फिर उसके बाद में है मधुर। तो बच्चों, मधुर का अर्थ क्या होता है? मधुर का अर्थ तो आप लोग अच्छे से जानते हैं ना? जी हाँ, मीठी। फिर उसके बाद में है बच्चों फुहारे। तो फुहारे का अर्थ होता है बच्चों हल्की बौछार, यानी कि जब शुरुआत में पानी बरस रहा होता है तो हल्की हल्की बौछार आती है ना पानी की, पानी एकदम हल्का हल्का ऐसे लग रहा है, लगता है ना कि जैसे फुहार पड़ रही हो वैसे। उसके बाद में है बच्चों रंग रंगीली। तो रंग रंगीली का अर्थ होता है रंग बिरंगी, अनेक रंग का। फिर उसके बाद में है बच्चों कथाएं। कथाएं का अर्थ होता है कहानियां। आपको बहुत पसंद है ना? वेरी गुड। उसके बाद में है बच्चों गलियां। उसके बाद का शब्द है गलियां। गलियां यानी कि छोटे रास्ते। कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत से छोटा रास्ता, बहुत सा छोटा रास्ता उतना होता है जिसमें से गुजर जाने के लिए हमें ये होता है अरे हम इसमें से निकल पाएंगे, ऐसा छोटा रास्ता। फिर उसके बाद में है बच्चों बाग। तो बाग का पर्यायवाची शब्द यानी कि शब्द का अर्थ होगा बगीचा, जिनमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगे होते हैं बच्चों, अनेक प्रकार के फूल के पेड़, अनेक प्रकार के फल के पेड़, अनेक प्रकार के जो पेड़ लगे होते हैं उसे बगीचा कहा जाता है। फिर उसके बाद में है बच्चों कलियां। कलियां यानी अधखिले फूल, मतलब कि फूल पूरे खिले नहीं होते हैं बच्चों। आप लोग देखते हैं ना, जो गुलाब का फूल होता है वो पहले पूरा खुला नहीं होता, पहले वो सिमटा हुआ बंद सा रहता है, उसको कलिया कही जाती है। वही फूल जब खिल जाता है, बड़ा सा हो जाता है, तब उसे फूल कहा जाता है। बच्चों, शब्दार्थ समझ में आए? शब्दार्थ आप लोग बहुत ही अच्छी राइटिंग से, बहुत ही अच्छे से अपने नोटबुक में लिखेंगे बच्चों। और सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखना है, आपको ये सारे शब्द के अर्थ याद भी रखने हैं। उसके बाद में बच्चों, अब हम चल रहे हैं पाठ परिचय पर। सबका ध्यान टेक्स्ट बुक में होना चाहिए बेटा। तो सुनिए, पाठ परिचय का अर्थ तो आप लोगों को मालूम है ना? पाठ परिचय का अर्थ होता है कि कुछ ही वाक्यों में पूरे पाठ का या पूरी कविता का सारांश। तो बच्चों, पाठ परिचय। पाठ में बताया गया है कि वर्षा के बाद प्रकृति में अनेक बदलाव आते हैं, पेड़ पौधे पर हरियाली आ जाती है और कलियां खिल उठती हैं।
अब बच्चों इस पोयम में यानी कि इस कविता में यह बताया गया है कि जब बारिश आती है, जब वर्षा आती है, उसके बाद में प्रकृति में यानी कि कुदरत की जो बनाई हुई चीज़ें हैं बच्चों, उनमें बहुत से बदलाव देखने मिलते हैं, मतलब कि उनमें बहुत सारे चेंजेस देखने मिलते हैं बच्चों। उसमें यह चेंज सबसे पहले तो यह बदलाव देखने मिलता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो हरी हरी हरियाली होती है, वो बहुत ही हरी हरी हो जाती है, पेड़ पौधे एकदम खिल जाते हैं, सब जगह हरियाली हरियाली दिखाई देती है बच्चों। और जो मुरझी हुई कलियां होती हैं, जो छोटी छोटी कलियां उठना होती हैं, जो मुरझी हुई होती हैं, वह खिल उठती हैं। और बच्चों इस कविता में यह भी बताया गया है कि कुछ बच्चे हैं वो प्रकृति के नज़ारे का आनंद ले रहे हैं और प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, और उसके बाद में यह भी बता रहे हैं कि नानी हमें कहानियाँ सुनाती हैं। बच्चों आप लोगों को भी नानी और दादी कहानियाँ सुनाती हैं ना, वैसे इस कविता में भी नानी कहानियाँ सुनाती हैं बच्चों। और उसके बाद में दो छोटे छोटे बच्चे, देखिए बेटा इस चित्र में बताया गया है कि ये जो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, यह अपनी माँ से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मम्मी हम लोगों को भी बारिश में रिमझिम रिमझिम जो पानी बरस रहा है इसमें खेलने जाने दीजिए, हम भी बाहर खेलने जाएंगे। बेटा पाठ परिचय समझ में आया? वेरी गुड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।